हे यूट्यूब, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो यार। तो भाई आज हितेश भाई हमारे साथ है। हितेश भाई और हम आए हैं आज चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आ गया हमारे को, वैसे 3 दिन हो गया यार। जैसे आप लोगों को पता, मैंने पिछली रिसेंट वीडियो में भी बताया था कि मैं एक होंडा सिटी टाइप 2 VTEC ढूंढ रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम से यार, पिछले मतलब सोचो कि साल भर से मैं उस गाड़ी को ढूंढ रहा हूँ, और बजट भी नहीं था ना लेने का, उसका कोई प्लान नहीं था, ढूंढ ही रहा था, सब बंदों से बातचीत चली हुई थी। तो अभी रिसेंट यार मैं ऐसे ढूंढते भी मतलब 1.3-1.5 की मेरे पास फ़ोटोज़ आती रहती थी। तो एक कार डीलर है यहीं चंडीगढ़ में, तो उनने मेरे को एक VTEC की फ़ोटो भेज दी। फिर मैंने पूछा ये VTEC है, उनने बोला हाँ ये VTEC है और यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरी मतलब पिछले 10-12 दिन से उनसे बात चल रही थी, तो हमने बात बूत करी कि ठीक है मैं लेने आ जाऊँगा इतनी तारीख, मतलब ऐसा डेट जो डिसाइड नहीं हुई थी। तो मैंने कहा जब भी होगी आ जाना, बोलता मैंने बोला चलो ठीक है मैं ले लूँगा। और मतलब नॉर्मल इसी गाड़ी से उसका प्राइस डबल से ऊपर था। मैंने बोला चलो ठीक है VTEC है मैं ले लूँगा। फिर मेरा प्लान बना पिछले फ्राइडे को, सैटरडे को, हाँ मैंने बोला सैटरडे को मैं निकला हूँ वहाँ से, संडे को मैं शिमला ही रुक गया। मैंने बोला चलो मंडे को आता है। और जैसे मंडे को आके मैंने कॉल करा भाई को कि भाई मैं कहाँ है, लोकेशन भेजो। भाई ने बोला भाई वो गाड़ी तो बिक गई। अब सोचो इतने दूर से मैं आया भी और वो गाड़ी भी बिक गई। अब कुछ प्लान हम कब आए थे हमारे मंडे को, आज है वेडनेसडे। तो उस दिन मैंने एक बंदे से बात की, भाई हमने पूरे चंडीगढ़ में भाई होंडा सिटी ढूंढनी शुरू की। VTEC तो बहुत दूर की बात है यार, या तो 1.3 और 1.5 मिलना भी नामुमकिन जैसी चीज़ होगी। बहुत रेयर गाड़ी है, जिनके पास है वो बहुत ओवर प्राइस मांग रहे हैं, जिनके पास है कुछ बंदे हैं जिन्हें मेंटेन करी, जिन्हें नहीं करी उनकी मतलब ख़त्म कबाड़ हुई पड़ी हुई गाड़ी। फिर हम मंडे के दिन हमारा पूरा दिन ऐसे ही कटा भाई, शाम तक हम 12-1 बजे तक ऐसे ही ढूंढ रहे। फिर हम आए, हमने रूम राम, फिर हमारी बात हो रही थी और भी बंदों से, बठिंडा साइड के, बठिंडा क्या कौन कहाँ गया था, हरियाणा वाली साइड से, वहाँ पे कौन सी जगह, पेवा पुआ जैसी जगह है। मतलब यहाँ से हमारे को, हम कल सुबह चले थे 9 बजे, धुंधरी कुछ ऐसी जगह है, वहाँ पे पहुँचे शाम के 3:30-4 बजे हम बंदे के पास पहुँचे। वहाँ जाके हमने गाड़ी देखी, गाड़ी 1.3 थी वो, मतलब कुछ नहीं मिल रही। तो इतने दूर से आया था, हम गाड़ी लेके जाएंगे 1.3, मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगा उस गाड़ी की 1.3। हमने बोला कि 1.3 लेके चलते हैं, ठीक है। गाड़ी गुड़ी देखी, मतलब ठीक ओवरऑल गाड़ी, मतलब इंजन उसका ठीक था, मतलब थोड़ा सा खुला था, हेड गैस्केट का काम था, सस्पेंशन शॉकर ख़त्म थे, डेंट पेंट गाड़ी पूरी होनी थी। मतलब हमारे को मतलब बहुत सही प्राइस में मिल रही थी, पर उसकी इंश्योरेंस नहीं थी। हमने बोला चलो ठीक है हम इंश्योरेंस भी करा लेंगे, ठीक है। कागज़ कुगज की बात हुई, फिर जैसी उस कागज़ की बात हुई वहाँ पे हमारे को क्या पता चला, उस बंदे के नाम पे तो गाड़ी आई नहीं, उसने भी एफिडेविट पे ले रखी है। पहले उस गाड़ी के 4 ओनर थे, 4 ओनर के बाद अगले 4 ओनर ने उसको एफिडेविट पे ले रखा था। तो हमारे को तो भाई हिमाचल रजिस्टर चाहिए थी गाड़ी, हमने तो लेनी है हिमाचल में रजिस्टर करने के लिए। भाई वहाँ पे उस बंदे ने हमारे 3-1 घंटे लिए बात बनी नहीं। हमने बोला भाई हमने नहीं लेनी, हमारे को छोड़ दे भाई। फिर हम वहाँ से निकले 7-8 बजे निकले, और रात के हम 11-11.30 बजे यहाँ पे पहुँचे। फिर एक भाई हमारी उनके साथ बात चल रही, जिनके पास मतलब भाई मतलब बहुत सारी कोशिश कर, हमारे को पता चला कि एक बंदा है चंडीगढ़ में जो VTEC कलेक्ट करता है। कलेक्टर तरीके के होते हैं ना बंदे, जिनको गाड़ियों का शौक हो, जिसको पता है VTEC क्या चीज़ है, वो बंदा करता है। अभी उनका नाम भी अभिषेक है। तो उनसे हमारी बात हुई, फिर उनने बताया कि जो वो वाली VTEC थी ना जो सेल हुई डीलर के पास, वो भी इन्हीं की VTEC थी, मैंने ही सेल कराई है। तो फिर वो बोला अभी तो मेरे पास कोई VTEC नहीं है, अभी उन्हें एक VTEC खरीदी है प्रोजेक्ट कार के लिए, जो उनका काम है कि हमने उन्हें कहीं से गाड़ी खरीदनी फिर बनानी फिर बेचनी। तो अभी उनके पास एक VTEC है जिसको बना रहे हैं, मतलब पूरी रस्ट से भरी पड़ी है गाड़ी, इंजन उसका ठीक है और बाकी मतलब बुरे हाल है गाड़ी के। फिर हमने रात को गाड़ी देखी, हमने बोला यार अब कुछ नहीं है तो यही ले लेते हैं। मतलब आप गाड़ी की हालत देखोगे ना, आप बोलोगे क्या है, स्क्रैप है। और हमारा प्लान बना है उसको खरीदने का, पर उस गाड़ी की एक खासियत थी वो है कि वो 2029 तक पास है, और वो ब्लैक RC में ब्लैक कलर में रजिस्टर है, और उसके कागज कुगज ओके है। तो अभी भाई से मिलते हैं, भाई भी आ रहे हैं। फिर गाड़ी का कुछ उन्हें लो स्प्रिंग्स वगैरह लगाए, वो उन्हें स्मॉल स्पून निकालना है गाड़ी से, फिर लेते हैं। पर हम देख लेना आपने कैस कंडीशन में वो गाड़ी है, हम लेके जा रहे हैं इतने दूर आके, वो भी होंडा सिटी को हम वहाँ से लेके जा रहे हैं अभी। तो चलो देखते हैं, फिर भाई को बताते हैं, फिर आपको रेट भी बताएंगे। पर उसका रेट मतलब बहुत है यार, मेरे हिसाब से तो उस गाड़ी का मतलब डबल से ऊपर का प्राइस है जितने की होनी चाहिए। पर अपनी खुर क्या ना वो कि हमारे को VTEC चाहिए, होंडा सिटी चाहिए, उसके लिए एक मेरी ड्रीम कार थी मतलब पहले से कि लेनी है, तो जिंदगी में होंडा सिटी लेनी है। फिर होंडा सिटी के बारे में जितना पता गया, फिर पता चला कि उसमें एक VTEC आता है, VTEC किक्स यू, उसके लिए हम वो ले रहे हैं गाड़ी। बाकी चलो अभी भाई आ जाएंगे, भाई से मिलाते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। चेक दिस आउट यार, भाई आ गया, हम यहाँ 48 के मार्केट पहुँचे। तो ये हमारी कुछ होंडा सिटी VTEC ब्लैक कलर,
आप ब्लैक कलर में नहीं दिख रहे हो क्योंकि इसके पैनल मैक्सिमम पैनल इसके रस्टेड थे, तो हमने इसका बोनेट भी चेंज कर दिया, फेंडर दोनों ताकिया, मतलब जो बॉडी शेल है वो ब्लैक में ही है। बाकी चेक करो ऑल अराउंड पूरी गाड़ी का कैसा कुछ लुक आ रहा है। ये कुछ बैग से इसकी टेल लाइट टूटी है, और ये है हमारे अभिषेक भाई जिनके मैं आपको सुबह बात कर रहा था। ये उन्होंने जिनने 3-4 वीटेक ओन कर चुके हैं, इन्हीं ने हमारे को वीटेक के बारे में बताया क्या क्या चीज़ें हैं सारी, और यही है इनकी, इन्हीं के नाम पर रजिस्टर है। और भाई कहाँ से आप? मैं चंडीगढ़ से। जी भाई चंडीगढ़ से है, तो अभी देखते हैं इसका काम होना है। बाकी मैंने बता दिया कि बॉडी शेल इसमें ब्लैक, गाड़ी ब्लैक ही कलर में है। ये जो पैनल्स है भाई ने सारे पैनल चेंज करा रखे, और सबसे बड़ी बात ये वीटेक है जो हम ढूंढ रहे थे, इकलौते भाई है चंडीगढ़ में जिनके पास ये गाड़ी है, और हमने इतना सर्च कर लिया हमारे को कहीं नहीं मिली। वीटेक के बारे में आपको बताऊंगा मैं चीज़ें, वीटेक में क्या क्या चीज़ें अलग है। बाकी अभी ये चेक कर लो आपकी गाड़ी की कैसे लुक है, और इसी में वीटेक में ही ये वाले हमारे जिसको बोलते हैं ये यार कौन से मेगा व्हील्स बोलते हैं, ये है वो मेगा व्हील्स। पर गाड़ी की हालत यार आप लोग बोले यार कैसी लग रही है, पर है तो है भाई ख़त्म है। इंटीरियर भी दिखाऊँ तो इस गाड़ी का इंटीरियर चेक करो, इंटीरियर भी मतलब बहुत खस्ता हालत में है भाई, बहुत ज़्यादा। तो बस होप करेंगे हम कुछ बढ़िया। बाकी अभी इसमें लोअरिंग स्प्रिंग्स लगे हैं तो भाई को वापस चाहिए, वो वापस दे देते हैं। अभी डलने को इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डला है, वो भी निकलना है, अभी देखते हैं क्या बनता है। भाई से बात करते हैं फिर आपको चेक कराते हैं। तो यार हम आगे वापस, हम गए थे गाड़ी का थोड़ा सामान फोन लेने, हमने हेडलाइट्स ली गाड़ी की और टेल लाइट भी पता कर रहे थे, टेल लाइट हमारे को मिली नहीं। तो और अभी हितेश भाई के साथ हमने, एक हमारे पास स्टेपनी भी नहीं है, मैग व्हील्स के उसमें 5 व्हील्स है पर उसे स्टेपनी भी नहीं और खोलने वाला जुगाड़ भी नहीं। हम स्टेपनी तो ले आए सस्ते में, हमने कहीं से जुगाड़ कर दिया है, हितेश ले कर चले गए। अभी हम गाड़ी की तरफ चलते हैं, अभी तक उसने स्प्रिंग्स खोल दिए होंगे, बाकी छोटा मोटा और भी उसमें थोड़ा बहुत काम है वो करा लेते हैं। पर चलो पहुँचते गाड़ी का देखते क्या हुआ हुआ इसमें। चलो सर फाइनली हमारे स्प्रिंग्स हट गए, इससे वापस से स्टॉक स्प्रिंग्स पे गाड़ी आ गई। चेक करो ये इसके स्टॉक स्प्रिंग्स है, देखो न्यू है, तो हमने न्यू अभी स्प्रिंग्स ला रखे, इसके स्टॉक वाले निकाल दिए। तो चेक करो अब गाड़ी में कितनी हाइट आ गई है, अब चेक करो। और यार ये ना हमारा ये वाला भी, इसको भी एडजस्टमेंट नीचे लगना है, ठीक है। जहाँ जाते हुए तो हमारी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है, हितेश भाई ऐसा बोल रहे हैं, तो हमने ब्रेक ऑयल भी खरीद के ले आए। अब ब्रेक ऑयल हम रिफिल कर रहे हैं इस गाड़ी में अभी, क्योंकि इसके सस्पेंशन खुले थे तो ब्रेक ऑयल हमारा लीक हो गया, तो इसके ब्रेक ऑयल भी रिफिल कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल देखो यार इंजन साइड से गाड़ी ओके है, इंजन में ऐसा सच इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन चौकर हुए हुए, परफॉर्मेंस हेड डल रखे है गाड़ी में, और इस चीज़ का पैसा है भाई होंडा वीटेक। बाकी यार जो रस्टिंग वाली दिक्कत है, रिस्टोरेशन तो भाई ये गाड़ी पूरी पूरी रिस्टोरेशन मांगती है भाई, रिस्टोर तो इस गाड़ी को पूरी करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको जंग जुंग जो भी निकला है वो सब कुछ करना पड़ेगा। अभी देख लो इस हालत में गाड़ी आने वाले 2-3 महीने में क्या पता है कैसी दिखे या हो ही ना, देखते हैं। ये प्रोजेक्ट हमने चक तो लिया है, अब पता नहीं भाई ये प्रोजेक्ट कैसा होगा भाई। अभी तक जिसको भी मैंने दिखाया भाई, सबसे पूछा मैंने किस गाड़ी के रेट होता, कोई भी 20,000, 30,000, 40,000 की गाड़ी बोलता है, उनको क्या पता भाई उसे 4 गुना ज़्यादा पैसे दे चुका हूँ मैं इस गाड़ी के, और अभी भी इस रेट पे, अब और पता नहीं कितने पर पहुँचेगी ये गाड़ी यार। बस इतनी सी बात है ना भाई, रुको मैं सामने देख के बात करते हैं। वैसे अपनी एक ड्रीम कार थी भाई, लेनी थी जिंदगी में, एक होंडा सिटी चाहिए थी बस, वो एक खाज है, उस खाज के लिए मैंने इतने वसूली ले रहा हूँ, पैसा भी नहीं, पर ये मेरा टाइम बहुत लेगी और टाइम, पर इतना तो भरोसा है चीज़ तो ये बन जाएगी, इसको मैं बना दूँगा पर टाइम बहुत लेगी। चलो कोशिश करते, आज कौन सा महीना है, ये अप्रैल का महीना है शायद, पता नहीं कितनी तारीख होनी, कितनी तारीख है आज, फ्राइडे, हाँ 24 तारीख को आज हमें गाड़ी लेके जा रहे हैं। आने वाले 2-3 महीने में देखते हैं कहाँ तक इसका कितना प्रोसेस पहुँचता है और कैसी है कुछ लुक आती है। अभी देख लो गाड़ी कुछ ऐसी है, पूरी रस्टेड है, बाकी हमने जो जो भी इसके पैनल चेंज हो सकते थे वो चेंज कराया। अब ये गाड़ी जाएगी रीपेंट के लिए, फिर देखना फिर क्या बात बनती है, और इंटीरियर की भी इसकी हालत बिल्कुल ख़राब है, सब कुछ करते हैं हम। चलो हमने गाड़ी का जो भी था ब्रेक स्प्रिंग्स वाला काम, अब जाके टर्न राइट देन टर्न राइट, मतलब दिमाग ही खराब हो गया यहाँ पे भाई, मेरे को नहीं लग रहा यहाँ पे कुछ काम होने वाला है। हमारे एक शीशे वाली दिक्कत थी, उसको भी ठीक कराना है, उसके लिए हमारे को 36 जाना पड़ेगा,
अभी अभिषेक भाई है वो पीछे से आ रहे हैं लेके गाड़ी, तो हम उनकी होंडा सिविक लेके चले आगे आगे। उसमें पहले एक तो हमने एग्जॉस्ट लगा रखा है, क्या पता कब कहाँ हमारे को पुलिस वाले फड़ ले। उनको पहले से डील करने की वो आदत है, तो अपने हिसाब से वो डील कर लेंगे। बाकी अभी हम लोग छप्पर ही खड़ी है सिविक, हम लोग सिविक लेके इनके पीछे पीछे चलते हैं। चलो चेक करो कुछ ऐसी है एग्जॉस्ट भाई, एग्जॉस्ट तो है भाई, पर यार शक्ल पे मत जाओ। अभी मैं इतनी सी बात बनूंगा, शक्ल पे मत जाओ इस गाड़ी की ए भाई, इंजन ये बंद बुंद करके ना बंदा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एग्जॉस्ट की आवाज़ अच्छी है। चलो ये है कुछ सिविक, इसको भी मारते हैं चले। वही ना यार भाई, हमें पता है ना, हम गाड़ी चलाते हैं, मुझे पता है कि कैसे चलनी क्या है। ऐसे बनाओ इंस्टाग्राम के लिए, थोड़ा नजदीक आ जाओ, पर एक आते हैं वो तो मैं कर लूंगा। हंजी भाई जी कहाँ को जाना है ये तो बता दो, आपने पहले में घेरा दिया है। हाँ लेफ्ट राइट, आप इस चौक के बाद एक और चौक आएगा, वहाँ से राइट लेना है। हम जा रहे हैं भाई स्टीरियो के लिए। चलो आगे चलो। तो फाइनली यार हम भाई के पास पहुँच गए एट द एंड में, भाई ने भी अपनी गाड़ी लगा दी और अब हम यहाँ से 7:30 बज रहे हैं। जो जो थोड़े बहुत काम थे स्टीरियो वगैरह के काम थे वो सारे हमने कर लिए हैं। अब जो यार बहुत सारा काम है, बहुत बहुत सारा काम है जो अभी हमारे से हो नहीं पा रहा है यार, और रात भी होगी और हमारे पास टाइम भी कम, हम 3-4 दिन से यहाँ ठुले हुए। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम निकल जाते हैं यार भाई, बाकी हम बाद में कराएंगे। एक बार शिमला जाके गाड़ी को स्ट्रिप डाउन करके देखते हैं गाड़ी में क्या क्या दिक्कत है, फिर हम दोबारा से इसके पार्ट्स वगैरह लेने आते हैं। पहले हम यहाँ से निकलते हैं, बाइक को बाय बोलते हैं, निकलते हैं, फिर देखते हैं हम क्या रास्ते के सीन्स बनते हैं, और फिर आपको अगले दिन की क्लिप्स दिखाता हूँ मैं। चलो हाँ जी